गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून दिस इज अंकिता अरोरा फ्रॉम स्टडी मेड इजीज स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल चैप्टर गवर्नमेंट कंपनी छोटा सा है हो जाएगा ठीक है दस पंद्रह मिनट की भी बात नहीं है इसको करने में यहाँ बोलते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है तो सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन फोर्टी फाइव गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन टू सेक्शन फोर्टी फाइव किसका है गवर्नमेंट कंपनी का अभी जो बोलता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जॉइंटली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करते हैं फिफ्टी वन परसेंट या फिर उससे ज़्यादा का अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं या फिर कोई सब्सिडी होगी किसकी सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी की ही सब्सिडी क्या करे दूसरी गवर्नमेंट कंपनी uh, में फिफ्टी वन परसेंट या उससे ज़्यादा की होल्डिंग रखती है तो इसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा अप शेयर कैपिटल क्या होता है चाहे वो अप शेयर कैपिटल इक्विटी हो या फिर वो अप शेयर कैपिटल आपका कौन सा हो प्रेफरेंस शेयर दोनों ही काउंट होते हैं तो 245 गवर्नमेंट कंपनी जहाँ 51 परसेंट और मोर का जो इक्विटी जो 51 परसेंट और मोर का जो होल्डिंग है कौन सी होल्डिंग है अप शेयर कैपिटल है वो कौन होल्ड करके रखता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सब्सिडी नॉट रिक्वायर्ड कि होली ओन सब्सिडी हो बट सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं लेकिन यहाँ बोला है सपोज करो गवर्नमेंट कंपनी ने डिफरेंशियल क्या करके रखे हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू किए ना व्हाट इज़ डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स तो वो समझते हैं पर वो बोल रहे हैं कि अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू करती है तो यहाँ पे ये यह जो आप फिफ्टी वन परसेंट और मोर देख रहे थे अभी जिस जो था पेड अप शेयर कैपिटल का तो डिफरेंशियल वोटिंग शेयर में आप इसे नहीं देखोगे अब आपको देखना होगा टोटल वोटिंग पावर फिफ्टी वन परसेंट किसका हो जाएगा टोटल वोटिंग पावर का तो फिफ्टी वन परसेंट टोटल वोटिंग पावर का यहाँ पे हो जाएगा अब ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब जनरली क्या होता है एक शेयर की एक वोटिंग होती है लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट में शेयर्स ज़्यादा होंगे लेकिन वोटिंग पावर कम होगा सपोज़ दस शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट right देना दैट इज़ डिफरेंशियल वोटिंग राइट दैट इज़ वॉट डिफरेंशियल वोटिंग राइट तो कहते हैं कि अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू किए हैं तो यहाँ पर टोटल वोटिंग पावर देखना होगा फिफ्टी किसका टोटल वोटिंग पावर का देखना होगा ना कि पेडअप शेयर कैपिटल का और जहाँ पे ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू नहीं हुए हैं वहाँ पे आपको अभी भी वही करना है पेड अप वोटिंग पेड अप शेयर कैपिटल की ही क्या देखना है फिफ्टी वन परसेंट और मोर देखना है दिस इज़ टू सबसेक्शन फोर्टी फाइव गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर बोलता है अब थ्री नाइन्टी फोर जो है एनुलल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी की मेम्बर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी एनुलल रिपोर्ट प्रिपेयर करवा करेगी फॉर द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और ये प्रिपेयर कब तक हो जाएगी एनुअल रिपोर्ट विद इन थ्री मंथस फ्राम द ए जी एम ए जैसी होती है गवर्नमेंट कंपनी की तो गवर्नमेंट कंपनी की ए से तीन महीने के अंदर ये रिपोर्ट प्रिपेयर होगी और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जिसके ऊपर सी एंड कमेंट करेगा या सप्लीमेंट करेगा ऑडिट रिपोर्ट फिर बोलते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है किसी गवर्नमेंट कंपनी की तो भी वही है कि अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या है मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और ये एनुअल रिपोर्ट ए से तीन महीने के अंदर प्रिपेयर होनी चाहिए अब ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा और स्टेट गवर्नमेंट बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिपेयर प्रेजेंट करेंगे कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे जाएगी साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी और कमेंट दिए जाएंगे सप्लीमेंट किया जाएगा किसको ऑडिट रिपोर्ट को कहते हैं ये जो सेक्शन है थ्री नाइन्टी फोर जिसमें अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है जिसमें एनुअल रिपोर्ट तीन महीने के अंदर फ्रॉम द ए प्रिपेयर हो रही है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और बोध द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में जारी एज द केस में भी ये गवर्नमेंट कंपनी जो लिक्विडेशन में जा रही है उस पर भी लगेगा जैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी पे ये लगता है दैन टॉकिंग अबाउट थ्री नाइनटी फाइव एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट क्या है एनुअल रिपोर्ट मतलब वे आर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आर द मेबर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट वे आर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स आर द मेम्बर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो बोलते हैं ड्यूटी क्या होगी बोलते हैं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मेम्बर है एनुअल रिपोर्ट ही प्रपेयर हो रही है लेकिन यहाँ पर कौन है स्टेट गवर्नमेंट मेम्बर है सेंट्रल गवर्नमेंट मेबर नहीं है तो बोल रहे जहाँ पे हर स्टेट गवर्नमेंट क्या है मेम्बर है किसी कंपनी की या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है किसकी कंपनी की या तो सारी के सारी स्टेट गवर्नमेंट कंपनी की मेंबर होंगी या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट क्या है कंपनी की मेंबर है तो बोलते हैं अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा एनुअल रिपोर्ट वर्किंग ऑफ द कंपनी का प्रिपेयर करना होगा विद इन थ्री मंथ फ्रॉम ए और ये बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट होगा एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट और उस पर सप्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ भी जैसे गवर्नमेंट कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब भी ये थ्री सेक्शन ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे

अब वो पूछ रहे हैं क्या बता बोल पूछ रहे हैं हमसे बताइए कम्प्लाइंसेज गवर्नमेंट कंपनी के क्या होंगे तो सबसे पहले तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को 51 परसेंट या उससे ज़्यादा होल्ड करना है और ये जो गवर्नमेंट कंपनी 20 परसेंट शेयर्स हमारी गवर्नमेंट कंपनी में क्या कर रही है होल्ड कर रही है ये जो गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी बीस परसेंट के शेयर्स हमारी एम एन लिमिटेड में होल्ड कर रही है तो सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये तो सब्सिडी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की ये क्या होना चाहिए था गवर्नमेंट की सब्सिडी और सब्सिडी होने के लिए फ़िफ्टी परसेंट या उससे ज़्यादा के शेयर्स होल्ड करने होते हैं सब्सिडी होने के लिए क्या करना होता है फ़िफ्टी वन परसेंट शेयर्स होल्ड करने होते जबकि ये फिफ्टी वन परसेंट के शेयर्स तो होल्ड ही नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि एमएन लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी की क्या नहीं है सब्सिडरी नहीं है इसका मतलब ये जो एम एन लिमिटेड है ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी नहीं है तो जब ये सब्सिडी नहीं और गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ फोर्टी परसेंट का पेडअप शेयर कैपिटल रखती है इसका मतलब यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है और यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना सब्सिडी का मतलब होली ऑन सब्सिडी होना कंपलसरी नहीं है सिर्फ सब्सिडी होना चाहिए सो दिस कंप्लीट योर चैप्टर गवर्नमेंट कंपनी विद द क्वेश्चन थैंक यू